ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ श्री नैना देवी से भाखड़ा जाने वाला रास्ते आमली वाले घाट नामक स्थान के पास पहाड़ी से एक मादा तेंदुआ ऊपर से सड़क पर आ गिरा। सूचना पर उसे उपचार के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया। तेंदुए की बाद में मौत हो गई। हेलो, क्या? हाँ जी, बोलो। कुछ नहीं है, आज लोगरा ले आने में कन्फर्म चल पहले पकड़ा है तुझे मेरे मुंह तेरे पकड़े पीछे पीछे बार ना बच्चे बच्चे का ठाल वो नाना ये हो ले चलो ले चला आगे तुम क्या गड्डी मोड़ दो ना ले आओ ले आओ गड्डी ले आओ गड्डी कड़नो पे ना हा एक मैं यहाँ से नैना देवी से जा रहा था कनखारा की तरफ अपने बुआ के लड़के को लाने के लिए। जब मैं वहाँ से गुजरा तो ऊपर से अचानक ही ये नीचे सड़क पे आके गिर गया सिर के पास। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये सड़क के बीच में ही पड़ा हुआ था। तब मैंने रुक के वहाँ हाथ मिल के गए गाड़ी वाले को, तब रोका, तब इसको फॉरेस्ट को फ़ोन किया। उसके बाद फॉरेस्ट वाले मौके पर आए, तब इसको वहाँ से उठा के गुहांडल हॉस्पिटल में लेके आए। को फैला ही उसके बाद जो तेंदुआ था वो सड़क पे गिरा हुआ था मैदान से। हम 10-15 मिनट में वहाँ पहुँचे और उसको उठा के यहाँ उसकी ट्रीटमेंट कराने हैं हॉस्पिटल में। आगे आदेश देखते हैं क्या पड़ता है। सबसे पहले तो पशु पालन विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैं डॉक्टर अरुण नेगी पशु चिकित्सा अधिकारी गांडल आप सभी को चैनल के माध्यम से नमस्कार प्रणाम। आज जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि आज अचानक ही हमारे को एक यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंज श्री नैना देवी जी द्वारा एक फीमेल जो मादा लेपर्ड है तेंदुआ है वो हमारे पास एक बेहोशी हालत में यहाँ पे लाया गया हॉस्पिटल में, जो कि अमलीवाला घाट नज़दीक बाखड़ा रोड कनफारा के आसपास से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना लोकल लोगों द्वारा सूचना मिलने पर यहाँ पे लाया गया प्राइमरी उपचार के लिए। और कंडीशन के हिसाब से हमने इसे प्राइमरी उपचार दे दिया गया है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं, एक्सरे और कोई तकनीक की सुविधा नहीं होने का हमें इन्हें इमीडिएट रेफर कर दिया गया है कि ताकि इसको फर्दर एक्सरे वगैरह किया जाए, जिससे कि हमने सस्पेक्ट किया इसके इंजरीज हो सकते हैं मेनली हेड रीजन में है, क्योंकि मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, अनकॉन्शियसनेस है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने इसके दिया है, जनरल एग्जामिनेशन हमें इसको कर दी गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा भी कंटिन्यू केज के लिए संपर्क किया जा रहा है, जो कि बस्सी से लाया जाना है। मेले की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर कि जल्दी से जल्दी ला के इसको हायर इंस्टीट्यूशन में भेजा जाए ताकि इसका फर्दर ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन किया जा सके। मैं फॉरेस्ट गार्ड अभिषेक कुमार श्री नैना देवी जी रीट्स लोहा से ये सूचना देना चाहता हूँ कि हम मुझे स्थानीय लोगों का फ़ोन आया कनफारा से कि आपके इलाके में जो है कि तेंदुआ पड़ा मिला हमें, ये गिरा था पहाड़ी से, तो ये बीच रोड में मुख्य मार्ग जो है हमारा श्री नैना देवी वाला उसमें मिला मुझे। जैसे सूचना मिली तो उसकी मैं तुरंत बाद उस मौके में पहुंचा और अपने फर्दर बी ओ साहब या आर ओ साहब को भी कॉल की और मौके पर पहुँचा। और उसके बाद उस तेंदुए को हमने स्थानीय लोगों की सहायता से गाड़ी में डाला, क्योंकि ये थोड़ा अनकॉन्शियस था, ये बेहोश की हालत में था, तो उसको चेक करके हमने फर्दर वहीं पे गाड़ी थी पड़ी हुई तो उसमें हमने डाला इसे।